पौड़ी में खेल महाकुंभ 2023 का विकास खंड पाबो में शुभारंभ हुआ है। खेल महाकुंभ का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख पाबो डॉक्टर रजनी रावत और खंड विकास अधिकारी पाबो तेग सिंह रावत ने किया है। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी भगवान सिंह बिष्ट ने बताया कि खेल महाकुंभ के कबड्डी, खो खो, लंबी कूद, गोला फेंक, रेस आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरी के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ग्राम सभा स्तरीय प्रतियोगिताओं से चयनित खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में प्रथम आने वाली प्रतिभागियों को 500 रुपये, द्वितीय आने वाले प्रतिभागियों को 300 और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को 200 रुपये की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जो खेल महाकुंभ 2023 का यहाँ पे आयोजन हो रहा है, उसमें आज जो प्रतियोगिताएँ हो रही है अंडर 17 बालक बालिका की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही है। कल जो प्रतियोगिताएँ होंगी वो अंडर 14 की प्रतियोगिताएँ होंगी। परसों जो प्रतियोगिताएँ होंगी वो अंडर 19 की प्रतियोगिताएँ होंगी। इसमें जो प्रतियोगिताएँ हैं वो एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी, जिनमें एथलेटिक्स और कबड्डी ये न्याय पंचायत से सिलेक्ट होकर बच्चे यहाँ पर आएंगे। इनके लिए यहाँ पे नगद पुरस्कार की व्यवस्था है। जैसे न्याय पंचायत पे जो 300 फर्स्ट के लिए, 200 सेकंड के लिए और 150 थर्ड के लिए, यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे 500 फर्स्ट, 400 सेकंड और 300 थर्ड के लिए यहाँ पे नगद पुरस्कार की व्यवस्था है जी। उनके लिए यहाँ पे विभाग द्वारा जो 15 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा। उनके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है, विभाग द्वारा सब व्यवस्था की जा रही है।